प्रोमोटर्स की कुछ सेलिंग हुई है, जो एक्सटेंडेड फैमिली है उन्होंने बेचा, बट एक बहुत ही अच्छे हाथों में सोसाइटी जनरल पे वो स्टॉक खरीदे हैं, तो उस लिहाज से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये कंपनी तीन सेगमेंट काम करती है, एक तो न्यूक्लियर सेगमेंट है, दूसरा एरोस्पेस और डिफेंस, और तीसरा है क्लीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी। बहुत ही दमदार प्रोजेक्ट्स पे इन्होंने काम किया है, जैसे जो भारत ने मार्स में ऑर्बिटर भेजा स्पेसक्राफ्ट, उसका जो PSLV C-25 का इंजन भी इस कंपनी ने बनाया। फिर अग्नि मिसाइल्स में इनका इंजन पे योगदान रहता है, और ये एक्सक्लूसिव सप्लायर है लिक्विड प्रोपल्शन इंजन के लिए, जो भी डिफेंस कंपनी जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है या BDL है, भेल, इसरो, DRDO, इनको जो भी काम होता है तो लिक्विड प्रोपल्शन इंजन के लिए इनके पास ही आना पड़ता है। बाकी MNCs भी कई सारे इनके क्लाइंट हैं, जिसमें प्रोमिनेंट है ब्लूम एनर्जी, जो ग्रीन एनर्जी या ग्रीन हाइड्रोजन को लीड कर रही है, फिर रफेल को कैटर करती है, वोइथ है, सीमेंस है, GE है, इन सबको कैटर करती है। और बाकी आनंद जी, एक मेक इन इंडिया का सरकार का फोकस, डिफेंस सेक्टर की कंपनी। फिर कल मैं मैनेजमेंट को सुन रहा था, 1200 करोड़ के इनके ऑर्डर बुक है ऑलरेडी, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल के एंड तक 1500 करोड़ की ऑर्डर बुक हो जाएगी। एक लो डेट वाली कंपनी है, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स क्लोज टू 28%। और हाँ, इन्होंने एक कंपनी है बाय द नेम ऑफ फ्लुएंस एनर्जी, उसके साथ एक करार करने जा रही है कंपनी फॉर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। तो ये सब काफी पॉजिटिव है इस कंपनी के साथ। और मार्च तिमाही भी बहुत अच्छी थी, 31 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल 19 करोड़ का पैट था। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ पे खरीदना चाहिए। मेरे शॉर्ट टर्म टारगेट तो 1950 के स्टॉप लॉस रखना है 1860 का, बट इस स्टॉक को आपके अगले जन्मदिन तक मैं चाहूंगा निवेशक होल्ड करें, और मेरा इसमें लॉन्ग टर्म टारगेट है 2500 रुपए का।